पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आदाब, पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जहां पहले चरण के मतदान डाले जा चुके हैं, 91 लोकसभा सीटों पर मतदान डाले गए और 1289 उम्मीदवारों की लिस्ट ईवीएम में कैद हो चुकी है और वहीं दूसरे चरण के लिए अब मतदान के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरजमी से मौलाना तौकीर रजा खान का नाम भी सियासत में यूं तो नया नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल यानी INC के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह देश, संविधान और समाज के लिए यह फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा देश और संविधान और कांग्रेस समाज के लिए घातक है, इसलिए नफरत फैलाने वालों को सत्ता से दूर रखना है। मौलाना तौकीर ने सौदागरन स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो चलिए आखिरकार जानते हैं कि मौलाना ने क्या कुछ कहा है। मुल्क के मौजूदा हालात जो है तमाम लोगों के सामने, और मैंने पूरे मुल्क का दौरा किया है और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस बार तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक मन बना लिया है कि अब की बार सिर्फ गठबंधन सरकार। कांग्रेस से मैंने ये महसूस किया कि सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले तमाम लोग, खास तौर से मुसलमान, सख्त नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं में मैंने बहुत नाराजगी देखी। मैं भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ के जो आम हिंदू की राय है। हिंदू का ये कहना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनवाई थी ताकि मंदिर बन सके। बहुत से राम भक्तों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह था कि हमने नोटबंदी के लिए इनकी सरकार नहीं बनवाई थी, GST के लिए इनके और जो बड़े बड़े फैसले किए उनके लिए हमने इनकी सरकार नहीं बनवाई थी, बल्कि हमने मंदिर के लिए इनकी सरकार बनाई थी। तो तमाम हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, क्योंकि मुसलमान के साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से हिंदू नाराज है, और हिंदू जब नाराज है तो मैं नहीं समझता कि उनका कुछ हो सकता है। इसी तरह कांग्रेस का जो रवैया है, पूरे हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया है और मैंने ये महसूस किया कि आज मुसलमान ये सवाल कर रहा है कि अपने दौरे हुकूमत में 10 साल मुसलसल बम ब्लास्ट होते रहे, मुसलसल मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती होता रहा, मुसलमानों के बच्चों का इनकाउंटर होता रहा, मुसलमानों को झूठे इल्जाम में, दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में जेलों में ठूसा जाता रहा, फिरका परस्त ताकतों के दफ्तरों से नकली दाढ़ी टोपियां बरामद हुई, बम बनाने का सामान बरामद हुआ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई लेकिन कांग्रेस ने उन फिरका परस्तों के खिलाफ कार्रवाई ना करके मुसलमानों पर कार्रवाई की। तो ऐसे अन्याय करने वाले, दूसरे जस्टिस राजेंद्र सच्चर, उनका इंतकाल हो गया, राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट इन्होंने कूड़ेदान में डाल दी। मैंने उनसे सवाल भी किया था कि ये सच्चर आयोग क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि इन्होंने पर्दे के पीछे से जो RSS इन्हें कंट्रोल करती है उसको खुश करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि देखिए हमने मुसलमानों को किस हद पर पहुंचाया है, इसलिए वो रिपोर्ट बनवाई गई थी उन्हीं को दिखाने के लिए। मुसलमानों में सख्त बेचैनी और इस्तराब है, और आज भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पर कांग्रेस, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुर्बानी दी, उनको ऑफर किया, आधी सीटें देने की बात की, लेकिन इन्होंने वहां गठबंधन करना गवारा नहीं किया क्योंकि वो चाहते हैं कि बस मैं रह जाऊं और भारतीय जनता पार्टी रह जाए। सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले तमाम लोग मजबूर होकर उनके साथ जाएं। तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानियों को मजबूर रखने चाहते हैं, अब उनकी सियासत नहीं चलने वाली। एक बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में इन्हें शामिल होना चाहिए था, शामिल नहीं हुए। उन्होंने, गठबंधन वालों ने फिर भी बड़ा दिल किया, इनके लिए 2 सीटें छोड़ी,
इन्हें वॉकओवर दिया उन दो सीटों पर, जब से इन्हें हराया जा सकता था, लेकिन फिर भी इसने औपचारिकता निभाई और इनको बड़े दिल के साथ इन्हें वॉकओवर दिया। इनके दिल में कहीं कोई रहम नहीं है। आसाम में मैंने देखा कि यूडीएफ ने, बदरुद्दीन अजमल ने इनके साथ एलाइंस करना चाहा, इन्होंने एलाइंस की, फिर भी उन्होंने बड़ा दिल करके कुर्बानी देके कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कुर्बानी दी जाए। सिर्फ 3 सीटें यूडीएफ वहां लड़ रहा है, बाकी सारी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए जो सीटें छोड़ी हैं उन पर उम्मीदवार उतारने से पहले उन्होंने उन 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, ये जुल्म किया जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूँ कि वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराई जा सकती है, उन सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतार के गठबंधन को हराने का काम किया है और कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस कोशिश को नाकाम किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस किसी हालत में नहीं जीत सकती, सिर्फ गठबंधन, जहां जहां गठबंधन है, मैं देख रहा हूं बिहार में लालू प्रसाद के बगैर इस बार देश की सरकार नहीं बननी है, ममता बनर्जी के बगैर देश की सरकार नहीं बननी है, इसी तरह तमाम गठबंधन जहां जहां हैं वहां मजबूती से लड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नुकसान करने का काम कर रही है। इस नुकसान को फिरका परस्ती से नफरत करने वाले और सेकुलरिज्म में यकीन करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि इनकी इस साजिश को नाकाम करें। मतलब एक बड़ा सवाल है कि जो गठबंधन में पार्टियां हैं, एक की विचारधारा से आप पहले जुड़े भी थे और उससे फिर अलग हो गए, अब ऐसी बात कौन सी इंप्रेस कर गई कि जो आप दोबारा जो है इस गठबंधन से? मैं अपने किसी मामले के लिए नहीं, मैंने इस बार 3C का फार्मूला इख्तियार किया है। पहला सी है कंट्री, अपने देश के लिए हमें काम करना चाहिए, अपने देश की बात करनी चाहिए, अपने देश के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। दूसरा सी है कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के संविधान के हिफाजत के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। और तीसरा सी है हमारी कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी कंट्री के लिए हमने ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए सख्त नुकसानदेह है, हानिकारक है, घातक है। कांग्रेस खास तौर से मुसलमानों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत घातक है कांग्रेस की। तो दोस्तों आपने देखा कि मौलाना तौकीर रजा खान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का दमखम रखेगा वो उसके समर्थन में उतर करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीते 5 सालों में जो दौर भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को बरेली हवाई अड्डे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले थे। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान ने भी उनके साथ थे। अखिलेश चेंज ओवर के लिए हवाई अड्डे पर कुछ देर रुके थे। गठबंधन प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार इसी दौरान तौकीर को साथ लेकर हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां मौलाना तौकीर रजा खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि सपा बसपा गठबंधन के साथ वो 2019 लोकसभा चुनाव में हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रुख बीते 5 सालों में रहा है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। मौलाना तौकीर रजा खान यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जमकर करारे प्रहार किए और ये भी ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में वो सपा बसपा गठबंधन के साथ हैं तो बिहार में RJD के साथ हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हैं तो कर्नाटक में JDS के साथ हैं। जो ताकतें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, इस बार 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टियां लड़ रही हैं मौलाना तौकीर रजा खान उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका और कांग्रेस को करारा झटका उत्तर प्रदेश में लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान के इस कदम को हर कोई
सराहना कर रहा है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है कि मौलाना तौकीर रजा खान ने सही समय पर सही फैसला लिया है और जो हुकूमतें बीते 5 सालों में लगातार नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है उन नफरत के खिलाफ अब सपा बसपा गठबंधन को आगे खड़े होकर के मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो मौलाना तौकीर रजा खान से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।